हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ नेपाल के पॉपुलर डिश शेयर करने जा रही हूँ, जिसे थुक्पा कहते हैं। ये एक्चुअली नूडल्स विद आलूदम है। उसके लिए मैंने 14 बेबी पोटैटोस लिए हैं। तो पोटैटो को मैंने प्रेशर कुकर में 2 व्हिसल दे दिया है पानी में, थोड़ा सा सॉल्ट दे के। उसके बाद मैंने इसका स्किन रिमूव कर दिया। मैं अब एक पेस्ट बनाऊंगी। मैंने जो लाल मिर्च है ना, वो मैंने 4 लिया है, और मैंने छोटा छोटा जो गार्लिक क्लोव है वो मैंने 10 लिया है, 10 to 12। थोड़ा सा ज़्यादा गार्लिक चाहिए मुझे, और 2 मीडियम साइज की टोमेटो। तो मैं इनको पेस्ट करूँगी, तो मैं हाफ हाफ, मैं छोटा जार में करूँगी तो हाफ हाफ करके करूँगी। पहले मैं हाफ, उसके बाद मैं हाफ करूँगी। मैंने पेस्ट कर लिया है। अपने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। ये मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। अगर नहीं हो तो, नहीं खाते तो आप सनफ्लावर ऑयल में बना लीजिएगा। कलौंजी। अगर इसमें एक दो मिस हो जाए ना तो कोई बात नहीं। मैंने जो मसाला पेस्ट बनाया था ना, वो भी आप इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें होगी पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून में काश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी। अब थोड़ा सा सोल दूंगी तो ये मसाला ना अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसे अच्छी तरह से ना फ्राई कर लूंगी। मेरी मसाला ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं बॉयल आलू को मिक्स में मिला दूंगी। थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा पानी इसमें दूंगी। आलू को थोड़ा सा ढककर रख दूंगी। आलू थोड़ा और बॉयल हो जाएगा, जो मसाला है ना वो आलू में थोड़ा सा चला जाएगा, तो आलू खाने में टेस्टी होगा। मेरा पानी सूख गया है। आलू भी आउट सॉफ्ट हो गया है, मसाला के साथ ना एकदम भून मिल गया है। अब मैं इसमें ना ग्रेवी के लिए पानी दूंगी। आप चाहे तो गर्म पानी भी ले सकते हैं। ये ग्रेवी थोड़ा सा पतला होगा, क्योंकि ये नूडल के साथ साथ करेंगे ना, इसीलिए थोड़ा सा पतला ही होगा। हाँ, ज्यादा पतला नहीं, पतला ठीक नहीं होगा। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे ढककर रख दूंगी उबाल आने के लिए। मेरा ग्रेवी हो गया है अभी। ऐसे ग्रेवी होना चाहिए, थोड़ा सा पतला लेकिन ज़्यादा पतला नहीं है। हाँ, अब मैं इसे उतार दूंगी। नूडल्स बॉयल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया है, थोड़ा ज़्यादा पानी लीजिएगा। उसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं सनफ्लावर ऑयल डालूंगी इसमें 1 टीस्पून। अब मैं इसे ना बॉयल उठने के लिए, उबाल आने के लिए मैं रख दूंगी ढक के। तो इसके लिए मैंने ब्लू ड्रैगन का ना फाइन एग नूडल लिया है। फाइन नूडल ना कोई भी नूडल डिश के लिए बहुत अच्छा होता है, जो फाइन नूडल होता है एकदम से फाइन नूडल। इसे छोटा छोटा पैकेट भी बाजार में मिल जाता है, ये बहुत ही थीन होता है एकदम। वो ना कोई भी नूडल की डिश होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे छोटा पैकेट भी बाजार में मिल जाता है, नहीं तो हक्का नूडल्स यूज कीजिएगा, तो हक्का नूडल्स थोड़ा सा मोटा होता है। मैं अब नूडल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर रही हूँ। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो नूडल्स को ऐड कर दीजिएगा। मैंने नूडल्स को कढ़ाई में डाल दिया है,
अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी बॉयल आने के सॉफ्ट होने के लिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये पतला है ना। मेरे नूडल्स सब बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसके पानी को रिंस ऑफ कर दूंगी अच्छी तरह से। नूडल्स को ना एक प्लेट में ऐसे फैला के रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए, तो अच्छी तरह से वो ड्राई हो जाएगा। अब मैं सारे चीजों को असेंबल करूंगी। पहले मैं नूडल्स लूंगी एक बाउल में। अब मैं इसमें पोटैटो और ग्रेवी ऐड करूंगी। कुछ रॉ ऑनियन के टुकड़े भी मैं इसमें ऐड करूंगी और थोड़ा सा धनिया के पत्ते। मेरा थुप्पा तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल रेसिपी है। ज्यादा मेहनत नहीं लगता इसमें। मेरा चैनल नया है लेकिन रेसिपीज बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़।